अरे प्रधान जी, कुछ पैसों की जरूरत थी, अगर मिल जाती तो बहुत अच्छा होता। रामलाल, पैसे तो मैं तुम्हें दे सकता हूँ, लेकिन तुमने अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए जो मुझसे पहले पैसे लिए थे, अभी तक वो तो वापस किए नहीं है। मालिक, मैं तुम्हारे यहाँ काम कर रहा हूँ, धीरे धीरे सारे पैसे दे दूंगा। और मालिक, मैं तुमसे पैसे इसलिए मांग रहा हूँ कि मेरी बच्ची पढ़ लिख करके अच्छी नौकरी करे, और इसकी माँ चाहती थी कोई बड़ी अधिकारी बने। क्या कहा रामलाल तुमने? इसकी माँ इसे IAS ऑफिसर बनाना चाहती थी? अरे तुम पागल हो गए हो क्या? इससे अच्छा तो ना इसको कपड़े सिलने वाली मशीन लाकर दे दो, उससे कुछ पैसे कमा लेगी, और इस तरह मजदूरी करके तुम इसे कभी भी IAS ऑफिसर नहीं बना सकते। पापा, अगर प्रधान जी पैसे देने से मना कर रहे हैं तो अभी रहने दो। अरे बेटा, पढ़ाई कराने के लिए पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो हम किससे पैसे मांगेंगे? प्रधान जी से नहीं मांगेंगे तो? प्रधान जी, मेरे पास 2 बीघा जमीन बची है, अगर तुम चाहो तो उसे गिरवी रख लो और मुझे पैसे दे दो। ठीक है रामलाल, अगर तुम अपनी जमीन को गिरवी रखना चाहते हो और पैसे लेना चाहते हो तो फिर ये गलत नहीं है। आप शाम को घर आ जाना और जितने भी पैसों की जरूरत है मुझसे आकर ले लेना। ठीक है प्रधान जी, बहुत बहुत धन्यवाद, मैं शाम को आपके घर आ जाऊंगा और पैसे आप दे देना मुझे। ठीक है रामलाल, मैं चलता हूँ अब। अरे बेटी, क्या हो गया तुझे? गिर कैसे गई तू? बेटा बेटा, आवाज दे तू मुझे, क्या हो गया तुझे? उठ तो सही तू। अभी पानी लेकर आता हूं। ठीक तो है तू बेटी? हाँ पापा, मैं ठीक हूँ। वो बस मुझे ना चक्कर आ गए थे, इसलिए गिर गई थी। बेटा, मैंने कितनी बार तुझसे मना किया है, तू खेत पर मत आया कर, लेकिन मैं बूढ़ा जरूर हो गया हूँ, खेत के सारे काम कर सकता हूँ मैं। पापा, आप दिन रात मेहनत करते हो, क्या मैं थोड़ा बहुत काम आपके साथ नहीं करवा सकती? और हाँ पापा, आप मेरी टेंशन इतनी मत लो, मैंने ना सुबह खाना नहीं खाया था, इसलिए मुझे चक्कर आ गए थे। बेटा, तू इतनी बड़ी हो गई और बच्चों जैसी बातें करती है। पापा, मैं चाहे कितनी भी बड़ी हो जाऊं, पर आपके लिए ना हमेशा बच्ची ही रहूंगी। ठीक है बेटा, चलो घर चलते हैं, और तू खाना खा लेना, अगर दोबारा तुझे चक्कर आ गए तो मेरी जान निकल जाएगी। ठीक है पापा, चलो चलते हैं घर पे। अरे मैडम, कहाँ जा रही हो ट्यूशन पढ़ने? हमें भी पढ़ा दो ट्यूशन, हम भी पढ़ना चाहते हैं। तुम लोगों की ना बहन भी मेरे साथ ट्यूशन पढ़ने जाती है, उनको बुला दूं, वो तुम्हें ट्यूशन पढ़ा देंगी। तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है जो हमारी बहन को उल्टा सीधा बोल रही है तू? अरे मैंने ऐसा क्या बोल दिया जो तुम लोग नाराज होने लगे? और वैसे भी मैंने ना तुम लोगों की बातों का ही जवाब दिया है तुम्हें। भाई, ये लड़की तो हम पर भारी पड़ रही है, ये हमें बेवकूफ बना रही है। अरे कान में क्या बोल रहा है, जो भी बोलना है मेरे मुंह पे साफ साफ बोलना। और तुम लोगों को शर्म नहीं आती ऐसी हरकत करते हुए? और मेरे साथ तुम्हारी बहन होती तो तुम उनके साथ भी यही सब करते क्या जो तुम मेरे साथ कर रहे हो? तुम जैसे लोगों की वजह से ना एक माँ बाप ना अपनी बेटियों को कॉलेज जाने से रोक लेते हैं, क्योंकि उनको ना डर रहता है कि उनके घर की इज्जत मिट्टी में ना मिल जाए। बस तुम लोगों को तो अपने मजे से मतलब होता है। और हाँ, सोना तुम्हारी बहन का नाम है ना, कॉलेज के बाहर ना कल उसे 2 लड़के छेड़ रहे थे, पर उसने तुम्हें नहीं बताया होगा। अगर वो तुम्हें बता देती तो शायद तुम उसका कॉलेज जाना ना बंद करवा देते। इसलिए ना कोई भी लड़की अपने बाहर की हरकत ना घर पे नहीं बताती जाके। सॉरी दीदी, हमें माफ कर दो, हमसे गलती होगी, आगे से हम किसी लड़की के साथ ऐसा नहीं करेंगे। उम्मीद तो मैं तुमसे यही करती हूँ कि आज के बाद तुम किसी भी लड़की के साथ ऐसी हरकत ना करो। ठीक है, अब मैं चलती हूँ, क्योंकि मैं ट्यूशन के लिए ना लेट हो रही हूँ। अरे यार, वो लड़की बिल्कुल ठीक कह गई थी, अगर हम उसको छेड़ेंगे ना तो हमारी बहन बेटी भी है, हमारी बहन बेटी को भी कोई ना कोई छेड़ सकता है। हाँ भाई, आज के बाद ना हम किसी भी लड़की के साथ ऐसा नहीं करेंगे। प्रधान जी, राम राम। राम राम। बोलो रामलाल, कैसे आना हुआ? प्रधान जी, मैंने आपको बताया नहीं था, ये मेरी जमीन के कागज है, मुझे 1 लाख रुपए दे दो। रामलाल, अपनी जमीन के कागज अपने पास रखो, मैं तुम्हें पैसे देता हूँ अभी, बस थोड़ी सी देर रुक जाओ। प्रधान जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रुको रामलाल, ऐसी गलती दोबारा मत करना, अगर आज तुमने मेरे पैर छू लिए तो फिर मैं भगवान को क्या जवाब दूंगा। और सुनो रामलाल, तुम उम्र में मुझसे बहुत बड़े हो और मैं तुमसे बहुत छोटा,
इसका मतलब ये नहीं कि मैं पैसों के घमंड में आकर तुमसे अपने पैर पकड़वाऊं। सुनो मनोहर, रामलाल को अलमारी में से 1,00,000 रुपए लाकर दे दो। ठीक है, अभी लाकर देता हूँ। प्रधान जी, ये लीजिए पैसे। ये लो रामलाल, पूरे 1,00,000 रुपए हैं। जाओ तुम जाकर अपना काम करो। प्रधान जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ बोलो मनोहर, क्या कहना चाहते हो तुम? मेरी बहन आपके घर खाना बनाने के लिए आती थी, अब वो कल से नहीं आएगी। लेकिन क्यों, ऐसा क्या हुआ? क्योंकि वो अब शहर पढ़ने के लिए जा रही है। ये तो बहुत अच्छी बात है मनोहर कि तुम अपनी बहन को पढ़ाना चाहते हो। आगे चलकर वो अपनी जिम्मेदारी को भी समझेगी। ठीक है प्रधान जी, अब मैं चलता हूँ। ठीक है, जाओ तुम। प्रधान जी, आपको बुरा ना लगे तो मैं एक बात कहूँ? हाँ रामलाल, कहो क्या कहना चाहते हो तुम? प्रधान जी, जो लड़की आपके यहाँ खाना बनाने आती थी, उस लड़की को जो पैसे आप दे देते, वो मेरी लड़की के लिए पैसे दे देना, वो आपके पास खाना बनाने के लिए आ जाएगी और साथ में आपके घर की सफाई भी किया करेगी। हाँ रोहित, क्या कहा भाई तूने? तू घर के लिए आ रहा है? चल ठीक है, लेकिन संभाल के आना। रामलाल, तुम्हें अपनी बेटी को आज ही भेजना पड़ेगा, क्योंकि आज मेरा छोटा भाई शहर से घर के लिए आ रहा है और देखो ना, घर भी बहुत गंदा पड़ा है, तो वो आकर साफ सफाई कर देगी। ठीक है सरकार, मैं अभी भेजता हूँ। मैं तो सोच रहा था कि गांव में पहुंचने के बाद मेरा मन कैसे लगेगा, लेकिन यहाँ पर तो भैया ने एक से एक खतरनाक पीस लगा रखा है काम पर। नागिन लग रही है नागिन, इससे तो बाद में मजे लूंगा। अरे रोहित, आ गया तू? हाँ भाई, और बताओ भाई कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ। वैसे ये बता, रास्ते में आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? दिक्कत तो कुछ भी नहीं हुई, लेकिन आप मुझे एयरपोर्ट लेने के लिए क्यों नहीं पहुंचे? अरे वो क्या है ना, मेरी कुछ लोगों से बात चल रही थी कुछ मामले को लेकर, इसलिए मुझे टाइम नहीं मिल पाया और इसी वजह से मैं तुझे लेने नहीं जा पाया। कोई बात नहीं। सुनो भाई, मुझे ना बहुत थकान हो रही है, मैं फ्रेश होने के लिए जाता हूँ, तब तक आप मुझे खाना लगवा देना। चल ठीक है, तू फ्रेश हो जा, मैं अभी तेरे लिए खाना लगवा देता हूँ। ठीक है। सुनो शालिनी, मेरे भाई को ना बहुत तेज भूख लगी है, तो मैं एक काम करो, ये काम रोक दो, उसके लिए खाना बना दो। ठीक है साहब जी, मैं अभी बना देती हूँ। ठीक है। हाथ छोड़ो, मैं कहती हूँ मेरा हाथ छोड़ो। अगर नहीं छोड़ा तो? नहीं छोड़ा ना तो मुझे दूसरा तरीका भी आता है अपने हाथ छुड़ाने का। तुम्हें जो कुछ भी करना है ना कर लो, लेकिन मैं तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगा। प्रधान जी, प्रधान जी सुनिए। अच्छा तो तुम मेरे भाई से शिकायत करोगी? कर दो, क्या करेगा मेरा भाई? कुछ भी नहीं करेगा। रोहित क्या हुआ, क्या बदतमीजी है ये? भैया मैं इस लड़की से कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन ये मेरी बात मानने को तैयार नहीं है। रोहित ये तू क्या बोल रहा है, तुझे होश भी है? देखिए रामलाल की बेटी है और उसने मुझ पर विश्वास कर इसे मेरे घर काम पर भेजा है और तू इसके साथ ये सब कर रहा है? चल अभी के अभी ना इसका हाथ छोड़। सुनाई नहीं दिया तुझे? हाथ छोड़ इसका। अरे भैया आजकल तो ये सब नॉर्मल है, मैं इसको ना इसकी कीमत दे दूंगा। तुझे शर्म नहीं आती अपने बड़े भाई के सामने ऐसी बातें करते हुए? मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी तुझे गांव से शहर भेजकर। अगर तू आज भी गांव में होता ना तो कम से कम गांव के संस्कार तो नहीं भूलता। सुनो बेटा शालिनी, तुम अपने घर जाओ और इसने तुम्हारे साथ जो भी बदतमीजी की है ना उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। पता नहीं ये भैया अपने आप को क्या समझते हैं, उस दो कौड़ी की लड़की के लिए मुझ पर हाथ उठा दिया। जी तो करता है कि उस प्रधान को ना अभी के अभी खत्म कर दूं, जान से मार दूं उस प्रधान को। और वैसे भी वो प्रधान मेरा सगा भाई थोड़ी ना है, मेरा सौतेला भाई है। उसको जान से मारकर और उसकी सारी प्रॉपर्टी को बेचकर शहर चला जाऊंगा
और उस बहन की लौड़ी लड़की को भी साथ लेकर के जाऊंगा, रखेल बनाऊंगा उसको अपनी रखेल। उसने मेरे ऊपर हाथ उठवाया, साली मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहेगी। प्रधान, तू जहां भी है ना, समझ ले अपनी जिंदगी की अंतिम सांसें ले रहा है, क्योंकि मैं शहर से गांव इसीलिए आया था ताकि मैं तुझे जान से मार सकूं। अरे ये क्या कर रहे हो तुम, प्रधान जी को क्यों मार रहे हो? अरे छोड़ो, क्यों मार रहे प्रधान जी को? अले बैठो यहां से। अब तू उसे क्या जगा रही है? वो नहीं जगेगा, क्योंकि वो हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से जा चुका है। और हाँ, तूने प्रधान को मारते हुए मुझे देख भी लिया है, इसका मतलब ये हुआ कि तू बाहर जाकर सभी को बता देगी, तो तुझे भी मारना जरूरी है। पापा, पापा जल्दी चलो यहाँ से। लेकिन क्या हुआ बेटी? पापा अभी बताने का समय नहीं है, मैं रास्ते में आपको सब कुछ बता दूंगी। बेटी ऐसा क्या हुआ जो तू मुझे इतनी जल्दी घर से लेकर के आई? पापा वो प्रधान जी, अरे छोड़ो, क्यों मार रहे प्रधान जी को? अले बैठो यहाँ से। वो नहीं जगेगा, क्योंकि वो हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से जा चुका है। बेटा ये तो बहुत गलत किया प्रधान जी के साथ उसने। प्रधान जी ने जिसको दूध पिलाकर इतना बड़ा किया, क्या मालूम थी उनके लिए कि वही उनको डस लेगा। पापा उसने प्रधान जी को मार करना बहुत गलत किया है, क्योंकि आज मैं जो भी पढ़ पा रही हूँ, जितना भी पढ़ी हूँ ना, उसकी बदौलत सिर्फ प्रधान जी हैं। अगर प्रधान जी आपको पैसे ना देते तो शायद मैं पढ़ाई भी नहीं कर पाती। हाँ बेटा तुम ठीक कह रही हो। पापा मैं प्रधान जी की मौत का बदला ना जरूर लूंगी, चाहे इसके लिए मुझे ना कितनी भी मेहनत करनी पड़ जाए। बेटी तूने IAS बन करके पूरे गांव का नाम रोशन कर दिया है। पापा आपका और मम्मी का सपना था ना कि मैं एक IAS बनूं, तो वही सपना पूरा करने के लिए मैंने बहुत मेहनत करी है, और आज आपकी बेटी आपके सामने एक IAS बनकर बैठी है। और हाँ पापा, मेरी जिस भी जिले में पोस्टिंग होगी ना, मैं वहाँ पे ईमानदारी और निष्ठा के साथ में काम करूंगी। मैडम हमारे शहर में जो दूध की फैक्ट्री है उसमें काफी ज्यादा मात्रा में केमिकल मिलाया जा रहा है, जिससे बहुत सारे लोगों की जानें चली गई हैं। ये रही उसकी फाइल, आप देख लीजिए। इंस्पेक्टर तुम गाड़ी निकालो, हम लोग अभी दूध की फैक्ट्री के लिए निकलते हैं। जी मैम। पापा मुझे ना फील्ड में कुछ काम है, आप घर जाइए, मैं आपसे घर आकर मिलती हूँ। मैनेजर पिछले साल हमारी कंपनी का टर्नओवर पूरे 2 करोड़ रुपए का था, लेकिन इस साल घट करके 1.7 CR रह गया है, इसका क्या रीजन है? सर इस बार हमने केमिकल की मात्रा कम कर दी है, इस वजह से प्रॉफिट कम हो रहा है। तुम्हें केमिकल जितना भी मिलाना हो मिलाओ, लेकिन मुझे प्रॉफिट बराबर होना चाहिए। सर अगर हमने केमिकल की मात्रा और ज़्यादा बढ़ा दी तो उसमें और ज़्यादा भी जाने जा सकती हैं। जो मर रहा है उसको मरने दो, हमें सिर्फ प्रॉफिट चाहिए, प्रॉफिट। पैसे से मतलब है पैसे से, इसके लिए चाहे तुम्हें कुछ भी करना पड़े करो, और आगे से मेरी कंपनी का टर्नओवर 3 CR प्लस होना चाहिए। सर आप चिंता मत कीजिए, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। रोहित इस बार तुम्हारी कंपनी का टर्नओवर 3 CR नहीं 5 CR जाएगा। अरे तुम, और वो भी हमारी फैक्ट्री पर? मैंने न्यूज में देखा था तुम एक IAS ऑफिसर बन गई हो ना, लेकिन हमारी फैक्ट्री पर क्या करने के लिए आई हो? तुम अपनी फैक्ट्री में काम ही कुछ इतना अच्छा कर रहे हो कि मुझे मजबूरी में यहाँ तक चलकर आना पड़ा। हाँ मैं अच्छे से जान चुका हूँ कि तुम यहाँ तक चलकर क्यों आई हो, और वैसे भी तुम्हारे जैसे लोग IAS ऑफिसर इसीलिए बनते हैं ताकि ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियों में जा करके घूस ले सकें, लेकिन हम ना तुम्हें निराश करके नहीं भेजेंगे। मैनेजर मैडम की अच्छे से खातिरदारी करो। ओके सर, चलिए मैडम ऑफिस में। क्या कहा तुमने,
खातिरदारी करोगे तुम मेरी? खातिरदारी तुम नहीं, हम तुम्हारी करेंगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरे ऊपर हाथ उठाने की? तुम जानती भी हो इतनी बड़ी कंपनी का मालिक हूँ मैं, 2 मिनट में खरीद सकता हूँ तुम्हारे लिए। तुझ जैसे लोगों की ना औकात नहीं है मुझे खरीदने की। इंस्पेक्टर खड़े खड़े क्या देख रहे हो, दोनों को गाड़ी में ले जाकर डालो और इसकी फैक्ट्री भी सील कर देना। जी मैम।